बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास एक्सरसाइज फाइल्स में से चैप्टर वन की फाइल ओपन है जिसका नाम चैप्टर वन टिप्स है। व्यूअर्स, बाज़ूकात ऐसा होता है कि आपके पास एक्सेल की शीट में जो डाटा है बहुत सी रोज पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि आप अगर देखें, यहाँ पर मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ का डाटा है इसमें मेरे पास 700 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं। व्यूअर्स, इस सूरत में बाज़ औक़ात आपको फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हुए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है व्यूअर्स के आप इनका टोटल जस्ट चेक करना चाहते हैं, किसी एक कॉलम का टोटल चेक करना चाहते हैं और फार्मूला भी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है व्यूअर्स, एक्सेल में ही एक फंक्शन मौजूद है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास स्टेटस बार पे चंद चीज़ें वो शो कर रहा है। व्यूअर्स, वो बता रहा है कि सिलेक्टेड सेल्स की एवरेज क्या है, ये कितने सेल्स हैं, ये व्यूअर्स 3 सेल्स हैं इसलिए काउंट 3 शो कर रहा है, और इन 3 वैल्यूज़ को टोटल भी करके वो यहाँ पर शो कर रहा है आपके सामने। लेकिन व्यूअर्स, बाज़ूकात आपको तमाम इसके जो इसमें सेल हैं इस कॉलम के अंदर सबका सम चाहिए, सबकी एवरेज जानना है आपको, तो उसके लिए व्यूअर्स हम सिंपली अगर सिर्फ कॉलम के हेड पर एक मरतबा क्लिक कर दें, ये हमारे पास जो F है अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो व्यूअर्स ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है और ये आपको टोटल बता रहा है कि इस पूरे कॉलम की एवरेज 50,914 है, इसमें 733 सेल्स हैं और इनका जो टोटल है वो भी यहाँ पे व्यूअर्स शो कर रहा है। और व्यूअर्स, यहाँ स्टेटस बार पर इस वक्त सिलेक्ट करने के बाद अगर आप राइट क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आप यहाँ पर स्टेटस बार पर शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि सम जो है मुझे नज़र ना आए तो इस वैल्यू को आप अनचेक कर दें, और अगर आप बाद में दोबारा यहाँ आके व्यूअर्स देखें आपको सम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी की वैल्यूज़ यहाँ पर स्टेटस बार पर देख सकते हैं बगैर कोई फार्मूला अप्लाई किए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता व्यूअर्स, यकीनी तौर पर आपको बाज़ औक़ात फार्मूला जो है वो इंटर करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं इस पूरे कॉलम का टोटल लेना चाहता हूँ, तो ऑटो सम एक ऐसा फंक्शन है व्यूअर्स जो कि ऑटोमेटिकली बहुत से सेल्स को सम कर देता है। अगर मैं ऑटो सम के फंक्शन पर क्लिक करूं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सम का फंक्शन कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेता है, बेसिकली ये गेस कर रहा है कि शायद मैं इन वैल्यूज़ को टोटल करना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं इसके बजाय अपनी पसंद की वैल्यूज़ को टोटल करना चाहता हूं तो उन्हें मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और अगर मैं पूरे कॉलम का टोटल करना चाहता हूं तो सिंपली मैं एफ पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ देखिए फार्मूला कुछ यूं बन गया, इज इक्वल टू सम एफ एफ, इसका मतलब है पूरा एफ का कॉलम, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। व्यूअर्स, देखिए यहाँ पर आपके पास जो है टोटल आ गया मेरे इस पूरे कॉलम का। तो इस तरह से व्यूअर्स आप किसी टोटल कॉलम का या किसी रो के अंदर मौजूद तमाम सेल्स का भी टोटल कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि टोटल करने के लिए तमाम सेल्स के अंदर सिवाय पहले सेल के नंबर्स होने चाहिए। मसलन यहाँ सैलरी का जो कॉलम है इसमें सिर्फ पहले जो हमारा सेल है उसमें सैलरी लिखा हुआ और बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो नंबर्स में है, इसलिए तभी ये इसको टोटल कर पाएगा, अदरवाइज इसे टोटल नहीं कर पाएगा।